हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको मोती का नया डिजाइन सिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन से दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बने गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको एक डिजाइन बना के दिखाऊंगी, इसमें सेम टू सेम उसी तरह से आपको पूरे टोटल 6 डिजाइन बनाने हैं। तो मैं आपको इसमें से एक डिजाइन बता दूंगी और आपको सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। हमें डिजाइन बनाने के लिए चाहिए 2 कलर की मोती, तो मैंने व्हाइट एंड पिंक मोती का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अपने पसंदीदा कलर की मोती का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने 5 mm मोती का साइज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों 5 mm मोती है और प्लास्टिक मोती है। 5 है तो 7 mm की मोती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों में आपका बहुत ही अच्छा प्यारा सा डिजाइन बनके तैयार होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में फ्रूट बास्केट बनाना सिखाऊंगी। तो हम फ्रूट बास्केट बनाना शुरू करते हैं। इसको जॉइंट करने के लिए हम धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धागा हम हमेशा प्लास्टिक वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हम मोती को जॉइंट करने के लिए प्लास्टिक वायर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे 10 पिंक मोती। मैं वहीं पे फास्ट करके आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं ये रिपीटेड है वहीं पे मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगी। और हर जगह नॉर्मल में ही वीडियो आपको शो होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। तो मैंने 10 मोती ले लिए। 10 मोती लेने के बाद इसको हम एक राउंड और हम इसको घुमा सकते हैं, नहीं तो हम 4 मोती ले करके इस तरह से आप पूरा एक राउंड ले सकते हो, नहीं तो ये 4-5 मोती ले करके इस तरह से आप कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा एक राउंड इस मोती में आप घुमा सकते हो। तो यहाँ पे लेने के बाद अब हम व्हाइट मोती का इस्तेमाल करेंगे। तो पिंक मोती साइड कर लेते हैं, व्हाइट मोती का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे जितना मैं मोती आपको व्हाइट लेना है के लिए बताऊंगी और जहाँ जहाँ जितना मोती बताऊंगी आप उतना मोती का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टार्टिंग में 3 व्हाइट मोती। 3 व्हाइट मोती लेने के बाद जिस मोती में धागा है उसी मोती के पीछे से हम धागे को निकाल लेंगे। अभी धागे को ये जो हमारा बगल में मोती है इसमें हम लेके आते हैं। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे फिर हम 3 मोती का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फिर लेंगे 3 व्हाइट मोती। तीन व्हाइट मोती लेने के बाद जो हमने ये मोती डाली है, ये जो हमारी ये व्हाइट वाली मोती है, इसमें से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें से हम निकालेंगे। अभी धागे को ये जो हमारी पिंक मोती है इसमें लेके आना है। अभी यहाँ पे हम लेंगे 2 व्हाइट मोती। 2 व्हाइट मोती लेने के बाद ये जो हमारा व्हाइट मोती है ये लास्ट वाली, उसमें हम धागे को निकालेंगे। फिर हम ये वाली पिंक मोती में एक ये जो कि इसमें लेके आएंगे, तो इसी से हम पास करेंगे ये जो हमारी मोती है पिंक मोती। फिर यहाँ पे हम लेंगे 3 मोती और फिर इस व्हाइट मोती में धागे को हम निकाल लेंगे और फिर धागे को हम लेके आएंगे इस पिंक मोती में। अभी लेंगे 2 मोती, फिर 3 मोती, 2 मोती, 3 मोती लेकर के यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में कितना मोती लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। स्टार्टिंग में हमने 3 मोती लिया है, ये स्टार्टिंग में ये दोनों में हमने 3-3 मोती ली है। स्टार्टिंग में 3 मोती लिया, यहाँ पे 3 मोती और फिर उसके बाद से 2 मोती, 3 मोती, फिर अभी लेंगे 2 मोती, फिर 3 मोती। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। एंड में जब आपका ये धागा यहाँ पे एंड हो जाएगा, इस मोती तक हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे लास्ट में कितना लेना है।
तो हमारा ये लास्ट तक हो गया है। ये धागे को हम इस पिंक मोती से, इस व्हाइट मोती में, ये जो ऊपर की तरफ व्हाइट मोती जाती है उसमें हम निकालेंगे। और फिर हम यहाँ पे लास्ट में, जैसे कि हम तीन मोती लेते थे, अभी हम यहाँ पे लास्ट में सिर्फ दो मोती का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक मोती हमारा पहले से यहाँ पे अटैच है, तो हम यहाँ पे दो मोती लेंगे। तो यहाँ दो मोती लेकर के इस व्हाइट मोती में हम धागे को निकालेंगे। अभी धागे को हम इस मोती में लेके आएंगे, ये जो हमारी ये यहाँ पे व्हाइट मोती है इसकी, इसमें लेके आएंगे। अभी यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आप ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जितना जितना मोती बताऊंगी, और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैं आपको स्लो में ही दिखाऊंगी कि आप, ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना ये जो पार्ट अगर आप स्किप कर दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये यहाँ तक तो हमारा फिनिश हो गया, फिर यहाँ पे हमारा आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले तीन मोती, तीन मोती लेने के बाद इसी व्हाइट मोती में हम धागे को निकाल लेंगे। अभी धागे को निकालने के बाद हम धागे को, ये जो व्हाइट मोती है, यहाँ पे लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे दो व्हाइट मोती, दो व्हाइट मोती लेने के बाद ये जो हमारा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये मोती, ये वाली मोती, इसमें हम धागे को निकालेंगे। यहाँ धागा निकालने के बाद ये इस व्हाइट मोती से यहाँ पार करेंगे, फिर ये नीचे में यहाँ लेके आएंगे धागे को। यहाँ पे लेके आने के बाद ये देख, यहाँ पे लेके आएंगे तो धागे को हमने इस मोती में नहीं रखा, ये देख आप देख सकते हो धागे, धागा हमारा इसी मोती में है, वो दिख रहा होगा, इसी मोती में हमारा धागा है, इस मोती में हम धागे को लेके नहीं आए हैं। तो यहीं से हम लेंगे तीन व्हाइट मोती, तीन व्हाइट मोती लेने के बाद जो हमारा जिसमें धागा है उसके ऊपर से हम धागे को निकाल लेंगे। अब हम धागे को लेके आएंगे इसमें, ये जो हमारा ये मोती है इसमें हम धागे को लेके आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हम लेंगे दो व्हाइट मोती, दो व्हाइट मोती लेने के बाद ये जो हमारा यहाँ पे ये वाली है इसमें हम धागे को निकाल लेंगे। अभी हम धागे को, ये जो हमारा यहाँ पे मोती है व्हाइट वाली, यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये व्हाइट मोती से इस व्हाइट मोती में आएंगे, फिर जाके नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाने के बाद ये साइड वाली व्हाइट मोती में हम, अब फिर यहाँ पे हम लेंगे दो व्हाइट मोती, दो व्हाइट मोती लेने के बाद ये जो हमारा यहाँ पे ये मोती है इसमें हम धागे को निकाल लेंगे। फिर धागे को हम लेके आएंगे इस व्हाइट मोती में, इस व्हाइट मोती से इस व्हाइट मोती में हम धागे को लेके आएंगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ पे लेंगे दो व्हाइट मोती, और फिर ये जो हमारा चार का मोती है, एक दो तीन चार, इसमें हम इस वाले में धागे को निकालेंगे। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा धागा, और फिर ये एक मोती और पार करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी हमारा ये चार मोती का जब आता है, एक दो तीन चार मोती का जब भी आता है, उस टाइम ही हम यहाँ पे ये जो ये धागे को हम इस तरफ रखते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे फिर तीन मोती। तीन मोती लेने के बाद फिर जिसमें धागा है उसी मोती से हम धागे को निकालेंगे। फिर धागे को हम, ये जो हमारा ये मोती है, इस तरफ लेके जाएंगे। अभी फिर यहाँ पे लेंगे दो मोती, और अभी हम ये जो हमारा ये चार का ये कोना वाला है एक, उसमें हम धागे को निकाल लेंगे फिर ऊपर की तरफ, और फिर इस तरफ से आके ये नीचे, फिर साइड में। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो फिर हम दो मोती लेंगे, और ये जब हमारा यहाँ पे जो कॉर्नर हमारा जो हमने बताया कि यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे हम तीन मोती लेते हैं। जब ये हमारा, जब यहाँ पे दो मोती से यहाँ पे आ जाता है, और जब तीसरा कॉर्नर इसमें हम डालने वाले होते हैं, उस समय हम तीन मोती का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको तीन मोती बताया है, वैसे ही सेम टू सेम हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ पे तीन मोती देंगे। इसमें इस मोती में जाने से पहले हम तीन मोती का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। फिर मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कि आखिरी में आपको कितना मोती लेना है। जब आप एंड में आएंगे, एंड में आने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम धागा ले लेंगे। फिर यहाँ पे हमें दो मोती डालना है, तो एक मोती हमारा यहाँ पहले से ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लास्ट में एक ही मोती डालेंगे। और फिर इस मोती में, ये जो हमारा ये मोती है, इसमें हम धागे को निकाल लेंगे। ऐसे भी इतना भी आप बना सकते हो। और अभी हम इसके ऊपर पे बॉर्डर टाइप में हम बनाएंगे, ताकि एक हमारा बॉर्डर टाइप बन जाए। अभी हम धागे को, ये जो हमारा ये मोती है यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ से हम अभी एक और लाइन हम इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे धागा लेने के बाद अभी हम लेंगे यहाँ पे एक व्हाइट मोती, एक पिंक मोती और एक व्हाइट मोती। इस कॉर्नर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इसी धागे पे, इसी मोती में धागे को हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से आएगा। अभी धागे को हम, ये जो व्हाइट मोती है, इसमें हम लेके आएंगे। इस व्हाइट मोती पे आने के बाद अभी हम लेंगे दो पिंक मोती और एक व्हाइट मोती। और फिर ये जो हमारा मोती है, इसी व्हाइट मोती से हम धागे को निकाल लेंगे। ये इस तरह से आएगा। अभी धागे को हम घुमा के, ये जो व्हाइट मोती है, इसमें हम लेके आएंगे। अभी यहाँ पे एक कॉर्नर में हो गया। अभी यहाँ पे हम लेंगे एक व्हाइट मोती और एक पिंक मोती, और फिर इस व्हाइट मोती में धागे को निकाल लेंगे। ये हमारा इस तरह से आएगा। ये अभी धागे को इस मोती में लेके जाएंगे, ये ऊपर वाली मोती में, और यहाँ पे लेंगे एक पिंक मोती और एक व्हाइट मोती, और धागे को इस मोती से हम निकालेंगे। फिर धागे को हम इस मोती से, ये व्हाइट मोती से पिंक मोती में जाएंगे। फिर इस व्हाइट मोती से, ये जो हमारा बगल में ये व्हाइट मोती है, इसमें हम निकालेंगे धागे। अभी फिर यहाँ पे लेंगे एक व्हाइट मोती और एक पिंक मोती। अभी धागे को इस व्हाइट मोती से निकालेंगे। एक जब हम लेंगे तो ये ऊपर की तरफ धागा जाएगा, और दूसरा हम लेंगे तो ये साइड की तरफ जाएगा। ये अल्टरनेट वाइज हमारा ये चलता रहेगा। तो हमें एक बार एक पिंक लेना है, एक व्हाइट लेना है, और फिर दूसरी बार एक व्हाइट लेना है, एक पिंक लेना है। इसी तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। अभी मैं ये कॉर्नर का आपको बता देती हूँ, उसके बाद ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धागे को अभी हम लेके आएंगे फिर इस मोती में, अल्टरनेट मोती मैंने कहा था आपको, तो ये अल्टरनेट मोती भी यहाँ पे आ गया। जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे हमने तीन मोती लिया था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग किया था, तो इसलिए हमने तीन मोती का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे एक कॉर्नर में जब हम आए थे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग किया, तो तीन तीन मोती लिए थे। अभी यहाँ पे हम लेंगे एक व्हाइट मोती और एक पिंक मोती, और धागे को इस व्हाइट मोती से निकाल लेंगे। अभी धागे को हम लेके आएंगे इस व्हाइट मोती में। यहाँ पे हम लेंगे तीन मोती, दो पिंक मोती और एक व्हाइट मोती। और ये जो व्हाइट मोती है, इसी में हम धागे को निकाल लेंगे। अभी धागे को हमें घुमा के, ये देखिए इस तरह से घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे व्हाइट मोती में। और फिर अल्टरनेट, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, सेम टू सेम हम यहाँ से यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये पूरा हम कंप्लीट करके फिनिश कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको 6 बनाने हैं। एक मैंने आपको बना के दिखा दिया कि कैसे बनाना है, तो सेम टू सेम इसी तरह से हम 6 बना के कंप्लीट कर लेंगे टोटल। और फिर मैं आगे आपको इसको जोड़ना बताऊंगी, तो पहले हम ये टोटल 6 बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इसे 6 बना के कंप्लीट कर लिया है इन सभी फ्लावर्स को। तो मैं आपको 3 फ्लावर इसमें जोड़ना बता देती हूँ। सेम टू सेम जो हमारा बचेगा, उसमें हम सभी को जोड़ लेंगे। तो मैंने अभी 4 फ्लावर लिए हैं, तो इसको हमें एक बास्केट के तरह से हमें बनाना है। इस फ्लावर को साइड कर दो, 3 फ्लावर को ज्वाइन कर दो, तो इस तरह से हमारा बास्केट आएगा। ये देखिए, ये हमारा बीच में आएगा, ठीक है, और ये किनारे में आएगा, और ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, इस तरह से ही हमें यहाँ पे भी और 3 ज्वाइन करने हैं। तो मैं आपको ये 2 ज्वाइन करना बता देती हूँ। तो सेम टू सेम उसी तरह से
आप इस सभी को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो अभी हम ले लेंगे इसको और ये दो को, किसी भी दो को हम ले लेते हैं, इस साइड करते हैं। और अभी हम धागा ले लेंगे और पिंक मोती का हम इस्तेमाल करेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए। तो हमने धागा ले लिया है, सुई का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा धागा से हम इस मोती में आराम से हम इसमें डालते। तो हम जिस तरफ गांठ लिए वो ध्यान से हम देख लेंगे ताकि हमारा जो गांठ है वो एक तरफ आए। इस तरह से हम ले लेंगे ये देखिए। अब इन दोनों को हम एक तरफ ज्वाइंट कर लेते हैं, ज्वाइंट इस तरह से करेंगे। आप किसी तरह से भी कर सकते हो, इस तरफ से पहला ज्वाइंट जो हम करेंगे वो हमारा किसी भी तरफ से हो सकता है। इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम यहाँ से ये किसी भी इसमें मोती में हम धागे को निकाल लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे किसी भी मोती में हमने धागे को निकाल लिया है। ये देखो स्टार्टिंग में हमारा जो पिंक मोती है हमने वहाँ पे धागे को निकाल लिया है। अभी यहाँ पे हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से जॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमें जॉइंट करने के लिए हम दो, ये हमारा इस तरह से आएगा। तो हम धागे को इस मोती में लेके आ जाते हैं, ये जो हमारा मोती है इधर हम लेके आ जाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद हम लेंगे एक पिंक मोती। आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ जितना मोती लिया है मैंने उतना ही मोती लीजिएगा। यहाँ एक पिंक मोती लेने के बाद ये जो हमारा दूसरा मोती है, जो ये हमारा आ गया, तो हमारा दूसरा जो फ्लावर है उस फ्लावर की इस मोती में हमें धागे को निकालना है। आपका ये इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इस तरफ से आएगा। अभी यहाँ पे हम ऊपर में लेंगे, जो हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गया है, फिर हम ऊपर में लेंगे एक पिंक मोती। एक पिंक मोती लेने के बाद हमने जहाँ स्टार्टिंग में धागे को इस मोती में डाला था उसी मोती में हम धागे को निकाल लेंगे। ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। अभी हम धागे को इस पिंक मोती से इस पिंक मोती में हम लेके आएंगे। अभी हम फिर लेंगे एक पिंक मोती और अभी हम ये जो बगल में है इस पिंक मोती से धागे को हम निकाल लेंगे। फिर धागे को इस पिंक मोती से ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर इस पिंक मोती से ये ऊपर की पिंक मोती में हम निकाल लेंगे धागे। अभी हम फिर लेंगे एक पिंक मोती, सेम टू सेम इसी तरह से हम यहाँ तक पहले कंप्लीट करते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे है यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो इस तरफ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरफ से किसी भी तरफ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसमें मैं अब तीसरा फ्लावर ज्वाइन करके बताती हूँ, जो हमारा बेस होता है, जो हमारा बेस है उसको मैं आपको ज्वाइन करके आपको बताती हूँ कैसे ज्वाइन करना है। जब आप यहाँ पे आइएगा, ये देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लास्ट में लेंगे एक और पिंक मोती। पिंक मोती लेने के बाद हम यहाँ पे इस मोती से हम धागे को निकाल लेंगे, फिर धागे को हम इस मोती में लेके आएंगे, ये जो हमारी ये मोती है पिंक वाली उसमें। यहाँ लाने के बाद अभी हम इसमें ये इसका बेस बनाएंगे, जो नीचे में इस तरह से रहेगा। तो नीचे का बेस हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो हम दूसरा फ्लावर ले लेते हैं एक और। इसको लेने के बाद इस कॉर्नर को हमें इसमें जॉइंट करना है। तो ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा जैसे धागा यहाँ पे है, इस तरफ से हम जॉइंट करेंगे। हमारा कॉर्नर इस तरह से जॉइंट होना चाहिए कि जो एक ये जो मोती है आप देख सकते हो, ये वाली मोती इसमें आए और दूसरी वाली मोती इस तरफ जाए। इस तरह से हम इसमें जॉइंट करेंगे, ये इस तरह से आएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक पिंक मोती। एक पिंक मोती लेने के बाद हम इस कॉर्नर में, हम मोती के कॉर्नर में हम धागे को निकाल लेंगे। ये जो धागा है इधर से हम निकाल लेंगे, ये इस तरह से आएगा। अभी धागे को इस मोती से हम फिर ये ऊपर वाली मोती इस वाले में, फिर हम इस वाले में जाएंगे। अभी हम एक इस तरफ से हम ज्वाइन करते हुए जाएंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक पिंक मोती। एक पिंक मोती लेने के बाद इस पिंक मोती में हम धागे को निकालेंगे और फिर इस पिंक मोती में।
इसी तरह से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा ज्वाइंट इसी तरह से होगा, ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो हम इधर पूरा हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद हम यहाँ पे दूसरा फ्लावर ज्वाइंट करेंगे। जैसे ये हमारा ये इस तरह से आएगा, ये देखिए ये यहाँ पे हमारा ये नीचे रहेगा और ये हम जब ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने ये जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ कंप्लीट करने के बाद हम फिर एक दूसरा फ्लावर हम इसमें डालेंगे, वो हमारा फ्लावर इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये इस तरह से हमारा ये फ्लावर आएगा। तो यहाँ पे हमें ज्वाइंट करने के बाद नेक्स्ट फ्लावर ज्वाइंट करेंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे सभी को इसी तरह से ज्वाइंट करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा ज्वाइंट करने के बाद। तो हम पहले सभी को ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये ज्वाइंट जब हमारा हो जाता है। ये देखिए यहाँ से हमने पूरे चारों तरफ हमने ज्वाइंट कर लिया है इसको, और ये कुछ इस तरह से हमारा बास्केट बनके तैयार हो जाएगा। और ये एक छोटा जो हमारा कटोरी होता है इसके शेप का है, ये देखिए यहाँ पे रख के मैं दिखाती हूँ, इसके बराबर का है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपको ये जो हमारी ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे व्हाइट एंड पिंक डाल दिया है, आप इसको एक और राउंड करके आप व्हाइट कलर डाल के और इसको बड़ा फ्लावर बना सकते हैं। तो इससे बड़ा आपका बास्केट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पूरे से हमारा बास्केट बनके तैयार हो चुका है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।